हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रेस कोड क्या होता है, सिक्योरिटी कंपनी में ड्रेस कोड की क्या वैल्यू है, ड्रेस का कलर कैसा होना चाहिए और ड्रेस की एक सिक्योरिटी एजेंसी में क्या पहचान होती है। दोस्तों ये पूरी वीडियो आपको देखना, आपकी पूरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। और आपको पता है दोस्तों, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो ऑन ग्राउंड और यूज़फुल ही होती है दोस्तों, क्योंकि मैं जेनवन ही कॉन्टैक्ट में आपके लिए लेके आता हूँ जो मेन चीज़ें होती है। मेरी लाइन दोस्तों सिक्योरिटी है, तो आपको मैं सिक्योरिटी रिलेटेड ही वीडियो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर कोई मेरा भाई सिक्योरिटी एजेंसी रनिंग करना चाहता है या सिक्योरिटी बिजनेस शुरू करना चाहता है, सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है गवर्नमेंट सेक्टर में, सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर, गनमैन और आर्मड अनआर्मड मेन पावर सप्लाई करना चाहता है, सर्विस देना चाहता है, दोस्तों कोई भी सिक्योरिटी कंपनी है दोस्तों, उसकी ड्रेस का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों आप सिक्योरिटी एजेंसी अगर आपने शुरू करनी है तो दोस्तों आप दूसरों की नकल नहीं कर सकते। कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि जैसे SIS सिक्योरिटी है, G4S है, आर्मर सिक्योरिटी है, APS सिक्योरिटास है, सिक्योरिटास है, और भी दोस्तों हज़ारों कंपनियाँ हैं, सबके दोस्तों अपना अपना लोगो होता है, अपनी ड्रेस कलर होता है, अपनी अपनी ड्रेस होती है। आप दोस्तों सेम डिज़ाइन सेम लोगो नहीं कर सकते, ये दोस्तों कॉपीराइट एक्ट में आपके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों जब भी आप सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करना चाहते हैं और जब आप पसारा लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ भी दोस्तों आपसे ड्रेस कोड के बारे में पूछा जाता है, तो आपकी ड्रेस भी दोस्तों यूनिक होनी चाहिए, यानी दूसरी सिक्योरिटी कंपनी से मैचिंग नहीं होनी चाहिए। आपका लोगो दोस्तों अलग होगा। लोगो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जैसे लोगो है ऐसा लोगो बनता है दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी को, अपना लोगो होगा दोस्तों, जहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपने अप्लाई करते हो सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, वहाँ से आपका लोगो भी बना दिया जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है दोस्तों, एक नॉर्मल सी चीज़ है। पहले आपका लोगो होगा दोस्तों, उसके बाद आपने कलर चूज करना पड़ेगा कि पैंट का कलर कैसा होना चाहिए, शर्ट का कलर कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, शूज कैसे होने चाहिए। दोस्तों शूज की भी शेप 3-4 प्रकार में आती है और ड्रेस की भी दोस्तों शेप 3-4 प्रकार में आती है, अनेकों कलर है दोस्तों, ये आपको चूज करना होगा कि आपने ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। दोस्तों सबसे मेन बात आपको मैं बताता हूँ, ड्रेस कोड चूज करने से पहले आपने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपकी ड्रेस है ऐसी होनी चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड गर्मी में पहने या सर्दी में पहने उसको कंफर्टेबल महसूस हो। मैंने देखा दोस्तों कुछ सिक्योरिटी कंपनी की ड्रेस ऐसी होती है कि सिक्योरिटी गार्ड उसको गर्मी में नहीं पहन सकते, वो इतनी मोटी होती है और उसमें दोस्तों वो दोस्तों इतनी मोटी होती है कि सिक्योरिटी गार्ड को अनफिट और दोस्तों सारा दिन दुखी रहता है गार्ड, यानी वो सिक्योरिटी ड्रेस को मजबूरी में डालता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ भी हमारी सिक्योरिटी लगे तो कोई दूसरा बिजनेसमैन या दूसरी कोई साइट का कोई भी आ सकता है दोस्तों, कहीं भी किसी भी साइट पे, तो देखे कि पूछे कि सिक्योरिटी कंपनी कहाँ की है और कौन सी है, क्या नाम है। मैंने कहने का मतलब दोस्तों आपकी सिक्योरिटी ड्रेस की पहचान होनी चाहिए कि अट्रैक्टिव ड्रेस हो, देखने में अच्छी लगती हो, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, गार्ड भी दोस्तों उसको आराम से डाल ले, तो ऐसी ड्रेस आपकी होनी चाहिए। दोस्तों कई बार मैं देखता हूँ अनाप शनाप ड्रेसें हो जाती है, मोटी हो जाती है, कपड़ा मोटा होता है, वो गार्ड डाल नहीं सकते दोस्तों, जिसके वजह से गार्ड को खुजली भी होती है और उसका दोस्तों पसीना ही नहीं सूखता पूरे दिन, जो मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। इसलिए जब भी आप सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस चूज करो तो दोस्तों आपके कपड़े का, क्वालिटी का, कलर का, ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों, तभी आप सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस को चूज कर सकते हो। आपकी ड्रेस का कलर भी ऐसा होना चाहिए दोस्तों जो लंबे समय तक उसका कलर मेंटेन रहे, रंग उसका फिक्का ना पड़े, ताकि दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस और टर्नओवर सिक्योरिटी गार्ड डाले हुए ड्रेस को अच्छा लगे गार्ड। ये थी दोस्तों सिक्योरिटी ड्रेस के ऊपर वीडियो। अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वंदे मातरम, जय हिंद।